आप सुन रहे हैं अल कमर साइबर वर्ल्ड इस्लामिक आवाज़। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा बवकार उलमा अहले सुन्नत मुआज़्ज़ज़ सामईन इकराम और मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही व सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए, मैंने खुतबे के अंदर जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत किया है, आइए तर्जमा व तफसीर बयान करने से पहले बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में पूरा मजमा झूमकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्ली सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अब तक तो बच्चों की तकरीर आपने समाप्त किया, एक से एक खतीब इस वक्त मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। मैंने कहा दुरूद पाक पढ़े, कुछ लोग तो सर ही हिलाते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखे दुरूद पाक पढ़ने के बड़े फायदे हैं। नबी फरमाते हैं, जो मेरा उम्मती दुनिया में उस पर जितना दुरूद पढ़ेगा, कल कयामत के दिन मुझसे उतना ही करीब होगा। बात याद आ गई, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था। एक साहिब ने अरीज़ा पेश किया, हुजूर तुर्बे कयामत 72-73 फिरते होंगे, हक पर कौन सी जमात होगी, कौन से फिरते होंगे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अहले सुन्ना वल जमात। कह दे सुभान अल्लाह। साहिब बहुत तेज था, कहा कि हुजूर अहले सुन्ना वल जमात की पहचान क्या है, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि अहले सुन्ना वल जमात की पहचान ये है कि मिन अलामात अहले सुन्ना बेकसरती सलाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत की अलामतों में से अलामत ये है कि वो मेरे नाना जान पर खुद दुरूद पाक पढ़ेगा। आइए, बात आ गई, आज इतना
तू हमारी रहमत फरमा है, तू हमें रहमत फरमा, तो कुरान में जवाब मिलेगा। अल्लज़ीन आमना अल्लाहु अलैहि व नबीहि व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, कुरान ने जवाब दे दिया कि ये शहीद की जमात है, ये सालिहीन की जमात है, ये नबियों की जमात है। कुरान ने कह दिया कि ये चारों के दामनों से अगर वाबस्ता हो जाओगे तो ईमान की भी हिफाजत हो जाएगी और तक्वे की भी हिफाजत हो जाएगी। आज हम सुन्नी बरेलवी मुसलमान अहले तरीकत के हाथों पे हाथ देकर मुरीद हैं। कुछ लोग ये कहते हैं ये सुन्नी बरेलवी जो मुरीद होते हैं इसका कहीं सबूत नहीं है, ये नजायजों हराम है। लेकिन आइए मैं एक वाक्य का सहारा लेता हूँ। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रजी अल्लाह ताला अपने वक्त के बहुत बड़े मुनाजिर थे। ये वाक्य आला हजरत ने अपनी किताब मलकुजाते आला हजरत में आपने तहरीर किया है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी है, नजर के आलम में है, शैतान सामने आ गया और कहने लगा है राजी उम्र भर तो आपने मुनाजरा किया है कि आपने खुदा को पहचाना है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रजी अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ मैंने खुदा को पहचान लिया। शैतान ने कहा कि इस पर दलील आपके पास है, आपके पास कोई दलील है? हजरत इमाम राजी ने एक दलील दिया, दो दिया, हत्ता के 307 दलील आपने पेश किया। शैतान तो मलोमल मलकूत रह चुका था, आपके तमाम दलीलों को रद्द कर दिया। अब आप सब मायूसी के आलम में परेशान थे। इतने में दूरदराज मकाम पर आपके पीर नामी हजरत नजमुद्दीन कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हु वजू फरमा रहे थे। वहीं से कहते हैं ऐ राजी, अरे क्यों नहीं कहते थे कि बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। पता चला कि अल्लाह के फलियों के दामनों से वाबस्ता होने से ईमान की भी हिफाजत हो जाती है और तक्वे की भी हिफाजत हो जाती है। लेकिन आइए जन करीब करें, हम सुन्नी बरेलवी मुसलमान मजारात पे जाते हैं, मजारे गरीब नवाज पे जाते हैं, मजारे आला हजरत पे जाते हैं, मजारे अकबाली शाह की बारगाह में जाते हैं, तलियत शरीफ हाजरी देते हैं। अल्लाह ने जिन्हें इसके साथ दिया है बगदाद शरीफ गौसे आजम की बारगाह में पहुंचते हैं। आइए मजारात पे जाना कैसा है आइए जन करीब करें। मैं बहुत जल्दी मिनटों में अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, पूरी दुनिया से उचाचे किराम जब हज के लिए जाते हैं, हज से जब फारिग होते हैं मदीना शरीफ की जानिब रवाना होते हैं, रास्ते में एक मैदान है जिसे आप जंगे उहद कहते हैं, उसमें 72 नुफूसे कुदसिया 12 वायत मुख्तलिफ 72 नुफूसे कुदसिया का मजार मुबारक है। आज जो इस बरे सगीर में बकवास करने वाला वहां भी वहां बड़ा पैजामा उठा कर चलने वाला ये कहता है ये मजारात पे जाना हराम है, ये बिदआ है, ये नजायज है, ये बिदआ है, ये शिर्क है, वो भी वहां जाकर के फातिहा पढ़ता है क्योंकि ये मेरे नबी ये करीब का हुक्म है। सारे उच्चाज पढ़ते हैं क्यों? इसलिए कि जब उस जंग में हजरत अमीर हमजा शहीद हुए एक रुकने नाना मी नाम की औरत ने कलेजे को चौक किया, कलेजे को निकाला और मुंह में रख करके जबान से चबा करके जमीन पे थूक दिया। नबी करीम ने अपने चाचा के दफन के बाद फातिहा पढ़ा और नबी की के नबी की निगाहें देख रही थी कि कयामत तक के मेरी उम्मत में एक जमात होगी जमाते आजम जो अहले सुन्नत वल जमात होगी, कब्र पे फातिहा पढ़ेगी, मजारात पे जाएगी, उलमा की बारगाह में जाएगी। नबी ने कह दिया कि मेरे गुलामों अरे हराम मत समझना, समझना तो अपने नबी की सुन्नत खैरुल अनाम समझना। पता चला कि ये मजार पे हम जो जाते हैं ये नजायज और बिदा ये हराम नहीं, ये सुन्नत खैरुल अनाम है। बोले सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह के बलियों को पावर है क्या? आपने हजरत पीर महर अली शाह अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान का नाम सुना होगा। हजरत पीर महर अली शाह अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान है, असर की नमाज पढ़कर आप हुजरे से बाहर हुए, कुछ नौजवान कहीं जा रहे थे। आपने पूछा नौजवानों कहाँ जा रहे हो? कहा हुजूर हम लोग मदीना जा रहे हैं। कहा
पीर महाराज शाह है, अल्लाह के बलियों का पावर देखे। आप फरमाते हैं उस मदीना क्यों नहीं जाते हो? कहो जो हम लोग बहुत गरीब है, अल्लाह के बली है, जलाल ले आते हैं। और आप फरमाते हैं आपको बंद करो, सबने आपको बंद किया। कुछ देर के बाद आप फरमाते हैं आपको खोलो, जब सबने आपको खोला है तो मन क्या देखता है कि हम भी पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं बल्कि गुंबदे खजरा के साथ। आइए जन करीब करें, एक बात की और सुन ले, इसके बाद बड़ी तकरीर खत्म हो जाएगी। आपने हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। आपका एक मुरीद आया और कहा कि हुजूर हम बहुत गरीब हैं, बेटी जवान है, मैंने रिश्ता वालों से बात कर लिया है, हुजूर मेरे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है तो मैं शादी जल्दी कर लूं। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा मैं क्या करूं? कहा हुजूर शादी में जितने खर्चा होगा वो सब आपको देना होगा। हजरत बाबा फरीद हैं, आपने फरमाया बेटा मेरे पास जितना माल था मैंने गरीबों में, मिस्कीनों में, खानकाह के कामों में, लंगरों में मैंने तकसीम कर दिया है। मुरीद बहुत जिद्दी था, बहुत तेज़-तर्रार था, बहुत चालाक था। क्या देखता है बाबा फरीद गंजे शकर तीन ईद पर बैठे हुए थे। मुरीद ने कहा हुजूर ये ईद आप मुझे दे दे। मुरीद ने जैसे ही कहा है बाबा फरीद गंजे शकर ने फरमाया, मुरीद ये तो मिट्टी की ईद है, ये लेकर तू क्या करेगा? हजरत बाबा फरीद के मुरीद ने कहा हुजूर मुझे ये ईद जरूर चाहिए। हजरत बाबा फरीद है मराकबे में गए हैं, मुरीद के हालात का जायजा लेते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे साथ रहते रहते ये भी वली ये कामिल बन गया है। चाहता हूँ वो बाप बेटी का
चाहे अता कर दे। वमा अलैना इल्लल बला वाखुल दवाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम अलैकुम। बहुत ही